बिलासपुर में सोमवार शाम एक तेंदुए का शव मिला है। उसके पैर कटे हुए हैं और दांत भी गायब है। ऐसे में तेंदुए का शिकार करने की आशंका जताई जा रही है। शव करीब 2 दिन पुराना है। वहीं वन विभाग के अफसर मामले को दबाने के प्रयास में है। सूचना पर जंगल पहुंचे अफसरों ने जानकारी देने से बचने के लिए अपने मोबाइल बंद कर रखा है। मंगलवार को तेंदुए के शव का पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का राज खुल सकता है। मामला सीपा सोढ़ी सर्किल का बताया जा रहा है। सीपा क्षेत्र से लगे हुए बिटकुला खमरिया वन परिक्षेत्र में ग्रामीणों ने सोमवार दोपहर करीब 12 बजे तेंदुए का शव को देखा था। इस पर उन्होंने स्थानीय वन कर्मियों की सूचना दी गई। बावजूद इसके अफसरों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। फॉरेस्ट गार्ड दोपहर से शाम तक शव की रखवाली करते रहे। करीब 4 बजे डिप्टी रेंजर हफीज खान पहुंचे, फिर रेंजर आलोक नाथ और एसडीओ सुनील बच्चन वहां आए। इसके बाद शाम एसडीओ कुमार निशांत भी डॉक्टरों की टीम के साथ पहुंचे। तेंदुए के पैर के निचले हिस्से यानी कि पंजों का हिस्सा गायब था। उसके दांत को भी निकाल लिया गया है। तेंदुए का जिस बेरहमी से शिकार हुआ है इससे उसके अंगों को तस्करी करने का आशंका जताई जा रही है। फॉरेस्ट गार्ड से हाल ही में प्रमोशन होकर आए डिप्टी रेंजर हफीज खान को सोढ़ी सर्किल का प्रभार दिया गया है। अभी उन्होंने मुख्यालय में रहना भी शुरू नहीं किया है। सोमवार को जब फॉरेस्ट गार्ड ने उन्हें इस घटना की जानकारी दी तब ये बाहर गए थे। खबर मिलने के बाद शाम को जंगल पहुंचे तब रेंजर और एसडीओ इसकी सूचना दे चुके थे। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में करीब 3 महीने निर्तु पंचायत के अदराली ग्राम के पास तेंदुआ देखा गया था। तेंदुआ ने ग्रामीण पर हमला भी किया था। इस सूचना के बाद भी वन विभाग के अफसरों ने जानकारी नहीं ली, नहीं तेंदुए के पग मार्क की पड़ताल की गई। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र के अधिकारी मुख्यालय में नहीं रहते। इसी चलते जंगल और वन्य प्राणियों की सुरक्षा का भी उन्हें कोई ध्यान नहीं रहता है। हैरान की बात है कि सोढ़ी सर्किल के जंगल में तेंदुए की लाश मिली है और उससे लगे सीपा सर्किल के डिप्टी रेंजर से भी अफसरों ने इस बात को साझा नहीं किया। ऐसे में जंगल और वन्य प्राणियों की सुरक्षा के साथ ही अफसरों की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।